गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.1 मैंने शुरू करवाई थी। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भेजा था और मैंने कहा था उसमें से जो मेन हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही डिस्कस करूंगी। तो इसके बाद एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 to 12 आर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जिसका हमें आगे यूज़ भी होगा। ऐसी चीज़ें हमने ली हैं जो आगे यूज़ भी होनी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझने इनको और आपने साथ के साथ करके भेजने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 8.1, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी टू पॉइंट्स पी एंड के हुआ टेकन ऑन डायगोनल बी डी सच दैट डी पी इज इक्वल टू पी क्यू सी फिगर शो दैट। आगे ये सारे प्रूव करने हमने क्या कहा गया है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ये बी डी एक डायगोनल है। जब भी वीडियो देखते हो ये कर्सर की ओर पूरा ध्यान रहना चाहिए आपको, कंसंट्रेट होकर करोगे। जैसे आपके लिए तो ये ब्लैक बोर्ड है, ये चौक से टीचर बना रही है, आपने ये देखना है, ठीक है ना। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड बी डी इज ए डायगनल। यहाँ पर पॉइंट लिए हैं पी और क्यू सच दैट ये डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये गिवन है हमें, बी क्यू और डी पी गिवन है। और हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए पी डी कांग्रुएंट सी क्यू बी, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए क्यू बी सी पी डी कांग्रुएंट ए क्यू सी पी, ए पी सी क्यू पैरेललोग्राम। बहुत सिंपल है, पहले फिगर में एक पॉइंट बता दूंगी आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ए पी डी सी क्यू बी, देखो ए कहाँ आ जा रहा है, ए पी डी और दूसरा सी क्यू बी। अब इसमें ए डी और बी सी इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, डी पी और बी क्यू गिवन है और ये वाला एंगल देखो जहाँ का सजा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये कैसा अल्टरनेट। तो एंगल सॉरी साइड एंगल साइड साइड एंगल साइड से ट्रायंगल्स कांग्रुएंट, जब कांग्रुएंट होंगे तो ए पी और सी क्यू सी पी सी टी से आ गया। इसी तरह से ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे, फिर ये सी पी सी टी से, ये इसके इक्वल तो बन गया पैरेललोग्राम। अब देखो इन ट्रायंगल ए पी डी एंड सी क्यू बी डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, यही बताया था ना। एंगल ए डी पी इज इक्वल टू क्यू बी सी अल्टरनेट एंगल, एंगल ए डी पी यही वाला बताया था ना, ये निकाल निशान लगा हुआ है, इज इक्वल टू क्यू बी सी, क्यू बी सी ये वाला एंगल, अल्टरनेट एंगल्स बिकॉज ए डी पैरल बी सी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल एंड ए डी इज इक्वल टू सी बी बी सी और ये ए डी, ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। देन ट्रायंगल ए पी डी इज कांग्रुएंट सी क्यू बी एस एस, अभी बताया मैंने, जब ये कांग्रुएंट हो गए तो ए पी और सी क्यू सी पी सी टी से इक्वल आ गए, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी, हो गए दो रिजल्ट। अब तीसरा ए क्यू बी, ए क्यू बी और सी पी डी, इसमें भी ये देखो ये लाइन इक्वल है, ये गिवन है और अब इसमें अल्टरनेट एंगल जी आ जाएगा, इसमें भी ऐसे ऐसे ट्रायंगल्स कांग्रुएंट, वही मेथड है। फिगर में देखो बी क्यू इज इक्वल टू डी पी गिवन है, ए बी क्यू पी डी सी, देखो ए बी क्यू ये वाला एंगल और डी पी डी सी ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अल्टरनेट एंगल इक्वल है, लाइंस इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये ए बी क्यू पी डी सी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रायंगल्स कांग्रुएंट, और फिर जब ये कांग्रुएंट हो गई तो ये ए के और सी पी, ये सी पी सी टी से इक्वल आ गया। अब फोर्थ में यही हो गया, ए पी इज इक्वल टू सी के प्रूव हो गया, ये इक्वल हो गया, ए पी और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये लिखा हुआ है, ए क्यू प्रूव दिस सिंस ऑपोजिट साइड कोऑर्डिनेट आर इक्वल एंड ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, क्लियर। टेंथ क्वेश्चन, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए पी एंड सी क्यू आर द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन इट्स डायगोनल बी डी शो दैट ए पी बी इज कांग्रुएंट सी क्यू बी। ये कहा गया है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और इसमें एक डायगोनल बी डी है, इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रा किए गए हैं ए पी और सी क्यू, ठीक है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, अभी ये पैरेललोग्राम है तो ए बी इज इक्वल टू सी डी है और सॉरी ए पी इस पर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ए पी परपेंडिकुलर बी डी, सी क्यू परपेंडिकुलर बी डी, हमें प्रूव करना है। प्रूव करने वाले ध्यान से देखने कौन से हैं, ए पी बी, ए पी बी एंड सी क्यू डी, ए पी बी एंड सी क्यू डी, एंगल वन और टू अल्टरनेट एंगल है, पी और क्यू 90 डिग्री एंगल है और ए बी और सी डी इक्वल है, एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड से ट्रायंगल्स कांग्रुएंट, वन और टू अल्टरनेट डिग्री एंगल, ए बी इज इक्वल टू सी डी ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ए पी बी और सी क्यू डी 90 डिग्री, देन ए पी बी कांग्रुएंट सी क्यू डी बाय ए ए एस, एंगल एंगल साइड
ट्रायंगल्स कांग्रुएंट, जब ये कांग्रुएंट हो गए तो एपी और सी के उसी पी सी टी से इक्वल आ जाएगा। डन। 11th क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में मेरे मुँह से इंपॉर्टेंट ही निकल रहा, सारे इंपॉर्टेंट है। इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़े ध्यान से समझना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ लेंथ ही है, थोड़े से मुश्किल नहीं है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी पैरल इक्वल टू डी ई और ए बी पैरल डी ई, इसी तरह से दिया हुआ है बी सी और ये बी सी और ई एफ इक्वल भी है और पैरल भी है। वॉट इज इज ए बी सी ज्वाइन टू डी ई एफ, ए को डी से ज्वाइन किया है, सी को एफ से किया, बी को ई से किया। और अब हमें ये प्रूव करने है रिजल्ट। पहले ये क्वेश्चन आया करता था, ये स्टेटमेंट यही है, फिगर यही है, शो दैट के बाद डायरेक्ट पूछा जाता था ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट, पहले ये आता था। तो ये सारे पार्ट हमें स्टेप बाय स्टेप अपने आप प्रूव करने पड़ते थे, अब तो उन्होंने स्टेप वाइज अपने आप ही पूछ लिया है। पहला पूछा है क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो इसमें हमें ए बी और डी ई पैरेलल और इक्वल दिया गया, जब हमने लास्ट लेक्चर दिया था उसमें प्रॉपर्टी 8.8 थी शायद, लास्ट वाली जो थ्योरम बताई थी मैंने, रिजल्ट बताया था, उसमें कहा था जिस क्वाड्रिलेटरल का एक ही पेयर ऑपोजिट एक ही पेयर इक्वल भी हो जाए पैरेलल भी हो जाए तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। तो इसमें हमारे पास ए बी और डी ई पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। देखिए ए बी पैरेलल डी ई, ए बी ई डी और इक्वल भी है, ए बी ई डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ए बी एंड डी आर पैरेलल एंड ऑफ इक्वल एंड देयरफॉर ए बी इज ए पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ए डी और बी ई अपने आप इक्वल भी आ जाएंगे, पैरेलल भी आ जाएंगे, ये रिजल्ट निकलेगा यहाँ से, आगे में यूज होगा। ए डी और बी ई इक्वल भी होंगे, पैरेलल भी होंगे। उसके बाद आता है बी ई एफ सी, बी ई एफ सी। अब इसमें बी सी और ई एफ इक्वल भी है, पैरेलल भी है। ये देखिए बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी पैरेलल ई एफ, देयरफॉर बी ई एफ सी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स बी सी एंड ई एफ आर पैरेलल एंड देयरऑफ इक्वल एंड देयरफॉर बी ई एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। ये बन गया। अब जब ये बी ई सी एफ पैरेललोग्राम बन गया तो बी ई सी एफ के इक्वल आ गया। अब पहले हमने बताया था बी ई ए डी के इक्वल, बी ई सी एफ के इक्वल, तो क्या हो जाएगा इसमें से बी ई को हटा दें तो सी एफ ए डी के इक्वल आ जाएगा, आ जाएगा। जब सी ई एफ ई डी के इक्वल भी आ जाएगा, पैरेलल भी आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। अब ये थर्ड रिजल्ट क्लियर हो रहा है। देखिए थर्ड में क्या कहा गया है, जब हमने ए बी ई डी बताया तो ए डी पैरेलल बी ई, ए डी इक्वल टू बी ई। जब हमने प्रूव किया दूसरे वाला पैरेललोग्राम किया तो उसमें बी ई पैरेलल सी एफ, बी ई इक्वल टू, अब बी ई इसमें कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, ए डी और सी एफ पैरेलल भी और इक्वल भी। ये हमने प्रूव करना था, हो गया। जब ये पैरेलल भी हो गया, इक्वल भी हो गया, तो क्या हो गया, ए सी एफ डी पैरेललोग्राम बन गया। जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो ए सी और डी एफ इक्वल भी आ गए और पैरेलल भी आ गए, ये पैरेललोग्राम बन गया। ए डी पैरेलल ई एफ, ए डी इज इक्वल टू ए सी एफ डी, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑफ इक्वल एंड देयरफॉर ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम। फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ, सिंस ए सी एफ डी इज ए पैरेललोग्राम तो ए सी और डी एफ इक्वल हो गए। ये पांचों पार्ट हो गए क्लियर। क्या किया, पहले हमने ये वाला पैरेललोग्राम बताया ए बी ई डी, दूसरा बताया हमने बी सी बी ई सी एफ, अब इससे ये वाला पैरेलोग्राम बनाया हमने ए सी एफ डी, उससे हमने ए सी ओ डी ई को इक्वल बताया। अब हमें ट्रायंगल्स कांग्रुएंट करने हैं, ए बी डी ई के इक्वल दिया गया है, बी सी ई एफ के इक्वल दिया गया है, ए सी हमने प्रूव किया है डी एफ के इक्वल, ट्रायंगल्स कांग्रुएंट। ए बी इज इक्वल टू डी ई गिवन, बी सी इज इक्वल टू ई एफ गिवन, ए सी इज इक्वल टू डी ई प्रूव्ड इन पार्ट फिफ्थ, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट बाय एस एस कांग्रुएंसी। बड़े ध्यान से करना, स्टेप रोक रोक के, वीडियो रोक रोक के, एक एक स्टेप समझ के, नहीं आएगा तो पूछना बड़े क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 12, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब मैं पूछती कि इस ट्रेपीजियम का दूसरा नाम क्या है, क्लास में होते तो इट इज कॉल्ड आइसोसेलस ट्रेपीजियम, क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल हैं। ये ट्रेपीजियम में ए बी सी डी के पैरेलल है, ए डी और बी सी इक्वल है, और ये हमें सब प्रूव करना है। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी, क्या किया हमने, सी ई पैरेलल ए डी, ये हमने सी ई ए डी के पैरेलल करी और ए बी को प्रोड्यूस करके इसको ज्वाइन कर दिया। अब पहले फिगर में देख लीजिए, जब हमने इसके पैरेलल ड्रा कर दी, ए बी ऑलरेडी पैरेलल है तो ए डी सी ई क्या बन गया, पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम बन गया तो ए डी सी ई के इक्वल आ गई, जबकि ए डी हमारे पास बी सी के इक्वल थी तो बी सी और ये भी इक्वल आ गए, तो 3 और 4 एंगल इक्वल आ गए। अब इसका आगे रिजल्ट देखते हैं कैसे करते हैं। ए ई सी डी से पैरेललोग्राम बन गया, कंस्ट्रक्शन से वही ए डी ई सी के इक्वल है, बट ए डी बी सी के इक्वल है, बी सी ई सी के इक्वल है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 4। अब हमने प्रूव क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है और एंगल ये सी इज इक्वल टू डी प्रूव करना है। अब देखो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1, 3 इज इक्वल टू 4 निकाला, 1 प्लस 4 180, क्यों,
को इंटीरियर एंगल, ये दो लाइंस पैरलर हैं, इनको ये ट्रांसवर्स कट कर रही है, तो ए की तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, जिसे हम को इंटीरियर कहते हैं। तो 1 + 4 इज इक्वल टू 180, इंटीरियर एंगल्स, 2 + 3 180, लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखो इसका सम भी 180, इसका सम भी 180, कंपेयर कर देते हैं, 3 और 4 इक्वल है, तो 1 और 2 इक्वल आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, 3 और 4 इक्वल है, तो 1 = 2, हेंस ए इज इक्वल टू बी, आ गया ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है सी और डी, थोड़ा सा स्टेप ध्यान से समझना है। 1 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3 है, 1 = 2 आ गया, ए भी आ गया, 3 = c अल्टरनेट एंगल, डी इज इक्वल टू 4 ऑपोजिट एंगल। देखो 3 = ये एंगल सी अल्टरनेट एंगल, 4 = d ऑपोजिट एंगल, 3 = एंगल सी अल्टरनेट एंगल, 4 = d ऑपोजिट एंगल। जब 3 और 4 इक्वल है तो 3 की जगह c लगाओ, 4 की जगह d लगाओ, हो गया c = d। देखो 3 = c अल्टरनेट एंगल, d = 4 ऑपोजिट एंगल, 3 = 4, 3 की जगह क्या लगाया सी, 4 की जगह क्या लगाया, हो गया ये भी। अब लास्ट में ए बी सी और बी एडी ट्रायंगल्स को कांग्रुएंट करना है। अब इसमें भी देख लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी और बी ए डी, दोनों में ए बी तो कॉमन दिखाई दे ही रहा है, दोनों में हमने एंगल 1 और 2 भी इक्वल प्रूव कर दिया है, और ए डी और बी सी इक्वल दिया गया है, ट्रायंगल्स कांग्रुएंट। जब ट्रायंगल्स कांग्रुएंट तो ए सी और बी डी डायगोनल सी पी सी डी से इक्वल। देखिए ये ट्रायंगल्स, ए बी सी बी ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन, 1 = 2 प्रूव्ड, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन, दैट एंगल दिस इज कांग्रुएंट। ठीक है, जब ये कांग्रुएंट हो गए तो ए सी और बी डी सी पी सी टी से इक्वल आ गए। क्लियर, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, ये दोनों लाइंस नहीं, ये ए सी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। क्लियर, ये अब आपने चारों क्वेश्चंस अच्छी तरह से वीडियो को बार बार देखकर जब तक समझ ना आए, वीडियो को नहीं छोड़ना, इसके पीछे लगे रहना है, ये चारों क्वेश्चंस आपने अच्छे से तैयार करने हैं और मुझे भेजने। ठीक है, ओके, बाय बाय।